हेलो राकेश भाई, वेलकम बैक टू डिस्कस निंजा। हाय निरंजन, थैंक यू। इस टाइम मैंने बोला मैं आपके इधर आ जाता हूँ, एक हफ्ते विजिट करना था और डिले होते जा रहे हैं, बोला ये बने हैं। थैंक यू सर, मिल लेता हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छा कलेक्शन है पहले, आई थिंक बहुत सारे एचरीज से बड़ा ही है आपका सेटअप। थैंक यू सर। और आप हमेशा हिडन नहीं रहते हैं, बट इट्स अ गुड थिंग, मेरे को आके देखना था मतलब कैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू सर, आप आए, और सर मुझे भी एक्चुअली आपके पास आना ही था, लेकिन आप आ गए तो एक अच्छा ही हो गया। सर वो जी अभी जो अपकमिंग डिस्कस शो टाइम कॉम्पिटिशन है, तो सर उसमें आपकी एंट्री है, तो सर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एज इन मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसमें, डिस्कस सच मेरे लिए भी नहीं हुई है। 2-3 ईयर्स में जब से सेलिंग कर रहा हूँ तब से मैं रख रहा हूँ, बाकी एज ऑब्वियस्ट भी रखा नहीं। तो कंपटीशन मैंने सोचा गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बहुत होगा, मेनली एक्सपर्ट से मिलना होगा, बराबर बाकी लोग क्या करते हैं सीखना होगा, शेयरिंग होगा, हॉबीज मिलेंगे, हॉबीज को दूसरे सेलर्स भी मिलेंगे। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी, आई थिंक जो सेलर्स है जो बायर्स है सबके लिए। सही है। और टिप्स एसेस तो लाइक आई सेड एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने सोचा लॉजिकली सोचते क्या क्या चाहिए। कंपटीशन जब लगता है तो नॉर्मली आई सी टैंक्स विद लाइट्स बिकॉज इट इज़ ऑन डिस्प्ले, फिश जो डिस्प्ले में रहता है, और फिश जो देखता हूँ हमेशा सामने आते हैं। तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि डिस्कस जाके हाइड करते हैं, इवन ग्रुप में रहेगा तो भी कुछ दिन लगता है उनको आगे आने के लिए, तो सडनली अगर अपन कॉम्पिटिशन में डालते हैं एक या दो दिन में सेटल होकर आगे कैसे आ रहे हैं। सो लॉजिक से कि अब उसको प्रिपरेशन करे वही एनवायरनमेंट दे जो कॉम्पिटिशन करेगा। खुद पर्सनली क्या प्रिपरेशन करोगे सर? मैं जस्ट जो भी मुझे पर्सनली फेवरेट है वो मैंने चूज किया है, जो मैं सोचा मैं डालूंगा। आई डोंट नो इफ इट्स द बेस्ट, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट है वो, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। बाकी तो मैं वो जस्ट उनको वो घर ले गया, सो दैट वन पीस और उसके साथ जो थे तीन चार पीस घर ले गया, सो दैट वो सडनली एक अलग करूंगा तो स्ट्रेस में आ जाएगा वो हिसाब से। तो चार, तो और घर पे मैं ज्यादा टाइम है, मेरी वाइफ भी हेल्प कर सकती है कि वो फीडिंग डाल सकती है जब मैं शॉप पे रहूंगा या जब घर पे नहीं है, घर वाले भी फीडिंग कर सकते, तो नंबर ऑफ फीडिंग इंक्रीज कर पाता हूँ मोर देन द शॉप एट होम। ओके, तो वो हिसाब से। और फिर मैंने मेरा 9-month-old बेबी का भी हेल्प लिया, तो जब खेलते रहे तो सामने रख देता हूँ, तो जब ग्लास को टैप करती है स्लोली फिश यूज टू हो रहा है, पहले नहीं आते थे आगे, बट अभी आगे आ रहे हैं। ये अच्छा, काफी अच्छा पॉइंट बताया सर, जितना नेचुरल एनवायरनमेंट दे सके उसको। और फीडिंग भी जब कर रहा हूँ तो मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ, मैं सामने जाके खड़ा रहता हूँ, ऊपर आएंगे तो ये फीड डाल रहा हूँ, दैट वे कंडीशनिंग की लाइट्स एंड पीपल कमिंग अहेड, इट्स अ गुड साइन फॉर देम दैट दे गेटिंग फूड। सही है, तो मैंने सोचा लॉजिकली ये सेंस बनता है कि जब लाइट और पीपल को एसोसिएट करेंगे तो दे गेटिंग फूड, तो वो सामने आएंगे, सो देयर विल बी सिमिलर कंडीशन टू जो कंपटीशन में रहेगा कि लोग आएंगे और जब लाइट फुल टाइम ऑन रहेगा तो उसको आगे आना है। ओके ओके। इन द एंड अगर मैं अभी पैक करके जब ले गया तो कॉम्पिटिशन इट में स्टिल हाइट पता नहीं, बट मुझे लगता है ये लॉजिकल के हिसाब से ये सही रहेगा कि लोग इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि कंपटीशन कंडीशन दो, व्हाट एवर थिंग इज योर कंडीशन एज अ कंपटीशन, वो अगर आप रेप्लिकेट करो वैसा। तो अभी 4-5 पीस साथ में रखा हूँ, द लास्ट वीक में बाकी को मूव करेंगे, और जो पीस मेरे को लगता है कि ये बेस्ट पीस है जो आई शुड पुट माय फुट फॉरवर्ड विद दिस बेस्ट पीस, तो वो अकेले रखूंगा, तो उसको अकेले रहने का भी एक वीक आदत हो जाएगा। ओके ओके, दैट इज माय 3-4 पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन। लेट्स सी व्हाट अदर एक्सपर्ट्स हैव टू से, मैं भी उनसे लर्न करूंगा, होपफुली दिस हेल्प्स। राकेश सर, और एक बात पूछनी थी, इतना ये बड़ा ग्रैंड इवेंट हो गया डिस्कस में, काफ़ी सालों के बाद हो गए, तो सर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सो लाइक ये टाइम जैसे कंपटीशन भी आएगा आया था, तो अनाउंस हुआ था 1-2 months बैक, सो आई थिंक प्रिपरेशन को भी उतना टाइम नहीं मिला, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड साइन कि कंपटीशन हो रहा है। तो फॉर एनी हॉबी आई थिंक हॉबीज शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट, बहुत सारे हॉबीज है जो बड़े बड़े शॉप से भी ज्यादा अच्छा स्टॉक उनके पास भी रहता है, आई थिंक इट्स ओपन टू एवरीबडी, हॉबीज शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। समझो ये साल नहीं हुआ तो फॉर द नेक्स्ट ईयर आई वुड से लाइक हमेशा अटेम्प्ट होता है इवन फॉर सेलर्स, जो अच्छे पीस है अभी सेल कर दो और उसको रियलाइज करो, एट द सेम टाइम आपको सॉर्ट करना है जो आपको लग रहा है कि मोर प्रॉमिसिंग पीसेस है, जैसे 10 पीसेस होंगे इसमें से 1-2 आपको लगेगा कि बेस्ट पीस है, तो आई थिंक इट्स अबाउट वो सॉर्ट करके आप रखो, उसको टाइम दो, वो हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। बेस्ट फिश मिलने के लिए आपको मोर देन उसका जेनेटिक्स से आपको भी काम भी करना है, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट कि इस पर जितना काम करेंगे, फीडिंग कम देंगे, वाटर चेंज देंगे, उसका शेप चेंज हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, गुड जेनेटिक्स दैट यू पिक और उसको टाइम देना है आपको। सही है सर। और सर अभी जो आपके हिसाब से अभी जो कॉम्पिटिशन हो गए, तो हर साल नेक्स्ट ईयर मतलब ये होते ही रहेगा? हाँ,
तो सर उसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक हाँ, अभी ये अज्यूम कर सकते कि कंपटीशन हर साल होगा, ये साल बहुत बड़े स्केल में हो रहा है फ्रॉम लास्ट टू इयर्स में. लाइक मैं भी सर्च कर रहा था जब मैं डिस्कस सेलिंग में आया कि कंपटीशन कहाँ पे हो रहा है, जस्ट एज अ लर्निंग जाके देखना है. आई हैव नेवर सीन, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद से लॉकडाउन हो, तो पर्सनली आई हैवंट सीन एनी कंपटीशन माय सेल्फ. तो जो भी वीडियो में देखते हैं वही है. तो इस साल आई थिंक फ्रॉम दैट स्केल इट्स गोइंग one step ahead. Loot sir, who is taken up the challenge, I think we'd like to thank him for giving that opportunity to all of us. Or I think बाहर से भी लोग आ रहे हैं, that's what I hear. So which is a good thing. मतलब learning सबका होगा. Because हम अपना ही fish देखते हैं, मुझे लगता है वो मेरा best है. But when I take the fish there, maybe I'll realize okay, 10 step लेना है, not one more step ahead. Standard मालूम पड़ता है. हाँ. So I think I'd like to thank ये competition organizers कि वो ये हो रहा है करके. And then I think it's a step up for everybody. सबको learning हो रहा है. It's a good thing. So thank you very much राकेश सर, आपने Discuss Ninja के लिए time दिया. और ऑल मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको भी विश करना चाहूंगा ऑल द बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन. थैंक यू निरंजन. सी यू सर, बाय. सी यू देयर. बाय बाय.